Hello students, welcome. Myself Dr. Rajiv Sharma. Today I am going to discuss a topic that is fertilization and implantation. So what does the fertilization stand for in the human being? Fertilization is basically the union of mature male and female gamete to form a viable zygote, which is basically capable of producing a human being. So beta fertilization ka matlab kya hota hai? Ki jab basically sperm, male gamete or basically egg, ये फीमेल गमीट ये जब फ्यूज करते हैं सो दे फॉर्म अ जाइगोट एंड दैट जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो व्हिच फर्दर ऑन डेवलप इनटू अ ह्यूमन बीइंग द फीटस. सो फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुला पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. तो बेटा ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? बेटा एम्पुला पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन. सो देखिए जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं. So this is the uterine tube. ये बेटा basically क्या है? ओवरी से क्या होता है? Basically ovulation, secondary oocytes release होते हैं बेटा. आपको पता है कि जो basically ये secondary oocyte पे rest phase में होता है, तो secondary oocyte आपके ovary से क्या होता है? Release होते हैं into the uterine tube. अब यहाँ पे basically क्या होता है? जो sperm आता है, sperm आके यहाँ पे इसके secondary oocyte के साथ आके क्या करता है? हिट करता है. जब हिट इसको जाके हिट करेगा तो सेकेंडरी यूसाइट में फर्दर सेकेंड मियोसिस होगी विच फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ओवम एंड द सेकेंडरी पोलर बॉडी. ओके, सो दैट ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, द ओवम इज बेसिकली फ्यूज विद द स्पर्म दैट मेल न्यूक्लियस एंड दैट इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो हेयर दैट fertilization take place, that zygote. Sperm nucleus fused with the egg nucleus which lead to the formation of zygote and that is named as fertilization. And after this fertilization, that zygote further divide into a different cell, number of cells. Then first of all the zygote divide, it form embryo, two cell stage embryo. Further on it form four cell stage embryo, last eight cell stage embryo. And this 8 cell stage embryo is further on basically become that blastocyst with outermost layer of cell and the inner mass cells. So outer layer of that blastocyst, it attaches to that uterus wall and this process is called implantation. But isko dhyan se dekhte hain kya ho raha hai yahan pe basically. सबसे पहले तो बेटा ये जो ओवरी है ये सेकेंडरी यूसाइट में यहाँ पे क्या करती है? रिलीज करती है. ठीक है, सेकेंडरी यूसाइट जब यहाँ पे रिलीज होता है तो जैसे ही वो स्पर्म के साथ अटैक करता है तो सेकेंडरी यूसाइट जो रेस्टिंग स्टेज में होती है इट अंडरगोस सेकंड स्टेप ऑफ डिवीजन और वो ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है. तो जो बेसिकली जो एग का न्यूक्लियस है वो आपके स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है. इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करता है, ये कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे फॉर्म एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस आ जाती है बेटा. सबसे पहली स्टेज टू सेल स्टेज में, देन फोर सेल स्टेज, देन एट सेल स्टेज एंड देन इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर मास लेयर ऑफ सेल्स एंड द इनर मास लेयर ऑफ सेल्स. आउटर मास लेयर ऑफ सेल्स से बेटा ये अटैच करता है आपके बेसिकली दैट टू द वॉल ऑफ द यूट्रस वॉल, एंड्रोमेट्रियम यूट्रस वॉल के साथ अटैच करता है. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन. तो ये इम्प्लांटेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया. तो दिस इज हाउ द प्रोसेस अकर.